राठौर की रिपोर्ट, सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। और जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेसियों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नोटबंदी के दौरान गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक में 745 करोड़ रुपए जमा करने जैसे मुद्दे को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए गए। जांजगीर चांपा जिले के कांग्रेसियों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का पुतला दहन किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि अमित शाह ने नोटबंदी के दौरान गुजरात के कोऑपरेटिव बैंकों में 745 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि गुजरात के 11 जिलों में 5 दिनों के दौरान ये नोट जमा किए गए हैं और इस बैंक के डायरेक्टर अमित शाह थे। कांग्रेसियों ने इसे एक बड़ा भ्रष्टाचार बताते हुए कहा कि जिस दौरान इस कारनामे को अंजाम दिया गया उस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे और अब इस मामले का खुलासा हो चुका है, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अहमदाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के अमित शाह जी डायरेक्टर हैं। 945 करोड़ 8 से 15 14 नवंबर के बीच में 5 दिनों के बीच में उनने जमा किया वहाँ पे। हम ये कहते हैं कि इस सभी मुद्दे की जांच होनी चाहिए। 11 जिलों के कोऑपरेटिव बैंक के 3111 करोड़ रुपए 5 दिन के अंदर में जमा किए गए और काले नोट को सफ़ेद किया गया। 14 नवंबर को पूरे देश में कोऑपरेटिव बैंक में लेना बंद कर दिया गया। मेरी जानकारी में मेरे इस प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक में कहीं नोटबंदी के दौरान नोट बदली का मौका नहीं मिला है, केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिया गया था। किस तरह से अहमदाबाद में, गुजरात में इन लोगों की नादिरशाही दादागिरी चल रही है ये पूरा देश देख रहा है। 5 दिनों के अंदर 3111 करोड़ रुपए को बदली करना, उसके लिए अगर ऑटोमेटिक मशीन रखें तो लगभग 800 लोग काम करने वाले वर्कर चाहिए। किसी बैंक में 11 कर्मचारी हैं, किसी में 13 कर्मचारी हैं, कैसे इतना बड़ा खेल किया गया होगा ये मीडिया जानती है। इस बात को पूरे देश में इस बात के लिए बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों के द्वारा, विशेष रूप से उनके अध्यक्ष अमित शाह जी के सहयोगियों के द्वारा, जो जयेश जी हैं, जितने लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और इन लोगों के द्वारा जो हजारों करोड़ का खेल किया गया। एक बैंक की बात आई है अभी आरटीआई से, पता नहीं देश के कितने अंचलों में, कितने बैंक में, कितने अरब रुपए का इन लोगों ने घोटाला किया होगा। ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, पर यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उनके इस्तीफे की मांग करते हैं और पूरे देश में इसकी भर्त्सना हो रही है। जांजगीर से उमेश जायसवाल की रिपोर्ट, सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। और रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम गढ़पुरी में मत्स्य